हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमिता गुप्ता। वेलकम टू द डीजी क्लासेस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट गाड़ावाला। हियर वी विल कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स फॉर क्लास 9। नेक्स्ट अनुवादी ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग, and vapor is directly changed into solid by cooling. In both the cases we get temperature. So what is sublimation? Solid is directly converted into vapor on heating is called sublimation. This process we see in one activity. We take one china disc, it is used in laboratory, and in china dish we will take ammonium chloride particles. Ammonium chloride is a one chemical and it is sublime chemical, means it is directly change solid state to gaseous state. That means ammonium chloride is sublime chemical, and we keep invert funnel on the china dish and give heat by the Bunsen burner. Give heat to china dish by Bunsen burner. Bunsen burner, it is also used in laboratory. When we have to heat it, ammonium chloride particles, it will change into gaseous state. गैसेस स्टेट में जब ये चेंज होगा, ये फनल की जो स्टेम है, ये क्या होगा? ये फनल है, फनल का जो माउथ है, ये तो चाइना डिश से क्या अच्छा है, ये हीटेड है, मगर इसकी जो स्टेम है वो कैसी है? कूल है, ठंडी है। तो और इसकी जो स्टेम है, स्टेम का जो माउथ है, उसको हम कॉटन प्लग से क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, जिससे वेपर आउटसाइड में ना जा पाए। और ये वेपर क्या होगी, यहाँ पर जाकर ये फनल के स्टेम पर जाकर, ये प्लेस कूल है इसलिए यहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगी सॉलिड स्टेट में। मींस हमने जब अमोनियम क्लोराइड पार्टिकल्स को हीट दिया तो ये इसमें चेंज हो गई, डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग, एंड दीज वेपर कूल डाउन एंड डिपॉजिट ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। तो जब ये वेपर कूल हुई और स्टीम में कहां पर डिपॉजिट हो गई, फनल की स्टेम में, और किस फॉर्म में आ गई, सॉलिड स्टेट में। मतलब क्या हुआ कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, सबलाइम, सब्लिमेशन प्रोसेस जो करता है। तो यदि हमने अमोनियम क्लोराइड पार्टिकल्स को हीट किया तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, वेपर में चेंज हुए, और वेपर से किस में चेंज हुए, कूल होकर फिर से सॉलिड में। मतलब ये जो हमको अमोनियम क्लोराइड यहाँ डिपॉजिट मिला, ये कैसा था, प्योर फॉर्म में मिला। तो दिस प्रोसेस आल्सो यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि केवल अमोनियम क्लोराइड पार्टिकल्स ही सब्लाइम होंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस शो करेंगे, और जो अदर इम्प्योरिटीज हैं वो तो डिश में ही प्रेजेंट होंगी, वो तो पेपर में ही बनेंगे। इसलिए इससे क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड के जो हमको प्योर पार्टिकल्स हैं वो फनल की स्टेम में मिल जाएंगे और इसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। many more example of sublimation, camphor we use जब हम पूजन करते हैं तब इसका यूज करते हैं, जब इसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ जाता है, वेपर बन जाता है। नेफ्थलीन बॉल को हम आपके घर में देखा होगा, जब बहुत समय के लिए वूलन क्लोथ्स को, काफी लॉन्ग टाइम के लिए क्लोथ्स को रखना होता है, तो क्लोथ्स के बीच में नेफ्थलीन बॉल रखते हैं, व्हाइट कलर की बॉल होती है जो क्या होती है, मोथ्स को किल कर देती है, और ये नेफ्थलीन बॉल ऑटोमेटिकली क्या होती है, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में हीटिंग के कारण जो उसके अंदर जो हीट मिलती है उससे क्या हो जाती है, गैसियस स्टेट में चली जाती है। यदि ये सॉलिड से पहले लिक्विड में जाती है तो क्या होता, हमारे क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, बट नेफ्थलीन बॉल डायरेक्टली चेंज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, मतलब जो वहां की हीट होती है, जो क्लोथ्स के बीच की हीट होती है उससे वो हीट लेती है और डायरेक्टली चेंज किस में हो जाती है, गैसियस स्टेट में। एक आयोडीन होता है और यह ड्राई आइस, ड्राई आइस मींस होता है सॉलिड स्टेट
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड तो लिक्विड गैसीय स्टेट में होता है, लेकिन जो ड्राई आइस होता है उसको उसको सॉलिड स्टेट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड इफेक्ट ऑन चेंजिंग ऑफ प्रेशर। यदि हम प्रेशर लगाते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, व्हाट विल बी सी, व्हाट विल बी व्हाट इफेक्ट ऑन गैसियस स्टेट। सो वी विल सी हियर इन स्मॉल वन एक्टिविटी, वी टेक वन बीकर एंड सिलेंडर एंड टेक सम गैसेस, एनी गैसेस वी हैव टू फिल इन बीकर एंड वी हैव टू प्रेस विद पिस्टन, पिस्टन के द्वारा इसको प्रेस करेंगे। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और इंटर मच वो होता है, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, बहुत लेस होता है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इनको प्रेस करने से क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इनके बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये जो फोर्स है जब पास पास आएंगे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स पास पास आएंगे गैस पार्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तभी तो वो पास पास आएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज गैसियस कैन बी लिक्विफाइड। अब हम गैस को किस तरह से लिक्विफाइड कर सकते हैं, अभी हमने ये देखा कि यदि हम गैस को प्रेस करते हैं पिस्टन से तो ये क्या हो जाता है, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो जाता है और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब यदि हम इसको प्रेस करते हैं गैस को तो क्या होता है, ये गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। गैस को यदि हम बहुत प्रेस करते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, बाय अप्लाइंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, वीडियो में बताया है कि केल्विन को हम डिग्री में नहीं लिखते क्योंकि ये कैसी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होती है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए इसका फार्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 25 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 298 केल्विन। दिस वैल्यू इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर। नाउ बाय कूलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि हम गैस को कूल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो भी ये क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। यदि हम प्रेशर देते हैं तो भी लिक्विफाइड होती है, और इसको कूल करते हैं तब भी गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाती है। और यदि हम इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, बोथ प्रेशर और कूल दोनों बनेंगे तो भी ये क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। आपने सीएनजी एलपीजी के बारे में अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी एक गैस है, उसको सिलेंडर में बहुत प्रेस करके फिल किया जाता है, और जब उसके बाद उसको जब प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाती है। ऐसे ही एलपीजी होती है, एलपीजी को भी बहुत प्रेस कर करके सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जब हम उसको प्रेशर को रिलीज करते हैं, नॉब को ऑन करते हैं, तो किस फॉर्म में बाहर आती है, गैसियस फॉर्म में बाहर आती है, मीन्स बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय कूलिंग इन ऑन बोथ द कंडीशन गैसियस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड।